जहां सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम के तमाम हथकंडे अपना रही, वहीं खाद्य आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं इसी बीच सरकार के नाक की दम बन चुकी है। सरकार इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तमाम तरह के उपकरणों द्वारा जनता को निजात दिलाना चाहती है, तो वहीं कोटेदार इस खेल में बेखूबी आगे बढ़ते हुए जनता की हक को मारकर अपनी जेब कर ले रहे हैं टाइट। ऐसा ही मामला सकिया बकिया महनाजपुर में कोटेदार की दबंगी से नाराज ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से महीनों से राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन को लेकर हो जाती है किचकिच। राशन मांगने पर न देने के बाद कोटेदार हरिंदर तिवारी द्वारा कहा जाता है कि जो करना होगा कर लो। नाराज ग्रामीण दबंग कोटेदार के खिलाफ तमाम आला अधिकारियों के पास आए दिन अपनी गुहार लेकर जाते हैं, लेकिन अधिकारी सुध नहीं लेते। माना जाता है कि कोटेदार कुछ सगे संबंधी विभाग से जुड़े हैं, जिसके बल पर कोटेदार लगातार दबंगी करता है, जिसका असर मोदी सरकार पर साफ दिख रहा है। क्या इन कोटेदार और विभागीय लोगों के सामने सरकार बेबस है? भ्रष्टाचार पर नहीं लग सकता लगाम? जनता के हक को लगातार मार रहे हैं ऐसे न जाने कितने कोटेदार। सरकार के वादों को पलीता लगाते यह कोटेदार। न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रही जनता। TST न्यूज राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या समस्या आ रही है, किस तरीके की भीड़ आप लोगों ने? हमन के राशन हमन तो भूखे भूखे भी ना मर रहा। हमन के न खेत न बारी किछ नहीं। मिलत है ग्राम सभा सखिया बखिया। किस तरीके का यहाँ भीड़ जुटाया गया? क्या भीड़ इसलिए जुटी है कि जो हमारे यहाँ के कोटेदार हैं हरिंदर तिवारी, वो बहुत धाधड़ी करते हैं। राशन आता है, जैसे मेरी 5 यूनिट है, हम हैं, हमारी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। किसी का भी फिंगरप्रिंट अगर मशीन पे ले जाएंगे, जो मोदी योगी योजना लॉन्च किए हैं मोदी जी योगी जी, अगर जाएंगे वहाँ, तो किसी भी बच्चे का और मेरी वाइफ का, मेरा भी है फिंगरप्रिंट, हर सभी लोगों का काम करे, तो मतलब 5 यूनिट हम लोगों का चालू है। तो उसमें ये करते क्या है कि 3 यूनिट ही देते हैं, बाकी रख लेते हैं। अब कहने पे कहते हैं जो खड़ना है जो करना है कर लीजिए, मतलब ये धांधड़ीबाजी इनकी हमेशा। अब जो हम लोगों का राशन कार्ड बन के आया, किसी का सही नहीं है। मेरे जगह मेरे गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी हैं, उनका नाम ललन तिवारी का फोटो आया है मेरे राशन कार्ड पर। ये सब इन्हीं की कारदानी है। किसी आदमी से मतलब ये ढंग से वहाँ पर बात नहीं करते हैं। जो जाता है गाली से बात करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। आज डायरेक्ट बोलते हैं जिसको जो करना है मेरे कोटे खिलाफ में कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आखिर क्यों, क्या इनकी या तो फिर दबंग है? ये भाई दबंग है, पैसे से टाइट है, इनके पास क्षमता है, बहुत ज्यादा दबंग है। तहसील में मेरा रिश्तेदार रहता है, उनके रिश्तेदार है तहसील में, ब्लॉक में उनके रिश्तेदार है, कहते हैं मेरी रिश्तेदारी है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। हकीकत में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत जगह गए, कुछ नहीं हुआ इनका। मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता और हम लोग हैं, जो सरकार राशन मुहैया करा रही है वो हम लोगों तक पहुंच जाए। मेरा नाम प्यारीलाल सिंह उर्फ मटरू है, ग्राम सकियां बकियां है। किस तरह की समस्याएं आई हैं यहाँ पे? ग्रामीण जुटे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, क्या है? सर देखिए, जब किसी का पेट खाली रहेगा, भूख से विचलित होगा, तो कहीं ना कहीं जाएगा। हमारे जो कोटेदार हैं हरेंद्र तिवारी, तमाम सालों से मतलब कई सालों से धाधली कर रहे हैं, लोगों का राशन खा रहे हैं। करीब 150 मुसहर हैं मुसहर बस्ती में। मैं सबसे गरीब जनता की बात कर रहा हूँ, इससे कई लोग भुक्तभोगी हैं। इन बेचारों का एक मुसहर का राशन आज तक नहीं मिला है। जब जाते हैं ये मुसहर राशन लेने के लिए, 500 रुपया लेके आओ, 1000 रुपया लेके आओ, तब राशन देंगे। ये बेचारे दैनिक मजदूरी करते हैं, किसी तरह अपना पेट पालन करते हैं, 1500 रुपया कहाँ से लाएं बार बार। तो आज विवश हो कि ये यहाँ पे धरना दिए हैं कि किसी तरह प्रशासन हमारी सुने, आप किसी तरह इस सूचना को सरकार तक पहुँचाएं, मोदी जी तक पहुँचाएं या कहीं पहुँचाएं सर, लेकिन न्याय हो, इन लोगों को राशन मिले, बेचारों का पेट भरे। क्या तरह लगता है, जिस तरीके से सरकार लगातार इन दलाल पे और भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रही है, तरह तरह की मशीनरी ला रही है इन सब चीज़ों में, फिर भी भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, क्या कहेंगे? सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, सरकार के ऊपर तो सवालिया निशान है, लेकिन उम्मीद है हमको, सरकार से उम्मीद है, और मीडिया के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि इस गरीब जनता का की सुनवाई हो, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो निश्चित रूप से जेल के पीछे जाएं।